ये भी ऑरेंज है और ये भी ऑरेंज है। डाउनशिफ्ट। इस गाड़ी के अंदर अभी एम्बिएंट लाइट भी लगेगी, गाड़ी में एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल होगा। इसको मैं करूंगा गिव अवे अपने किसी एक हैशटैग वाइपिंग फैम के सब्सक्राइबर को। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। Well, so what is up guys? Vipin Vlogs back here. तो एक तो अपनी Lamborghini है वो ऑरेंज है, और जो अपनी न्यू कार है जो कि है प्रोजेक्ट कार मेरी, जो कि मैं करने वाला हूँ गिव अवे आप में से किसी एक को, वो भी ऑरेंज है। तो आज होने वाली है मेरी नैनो की स्टार्ट मॉडिफिकेशन। तो अब मैं फिलहाल जा रहा हूँ वर्कशॉप पे, जो कि है 1.5 घंटा मेरे घर से। Lamborghini की आप देखने वाले हो तेरे से बिल्कुल नई लुक, और जो नैनो की देखने वाले हो नई लुक। तो फिलहाल 1.5 घंटा वर्कशॉप है। घिटोरनी मेरे को जाना है वैसे वेडनेसडे का देना, लेकिन जो वर्कशॉप थी वो आज बंद थी, बट भैया ने बोला आप आ जाओ, मैं आऊँगा लगभग 1.5 घंटे के लिए। तो चलते और इनमें करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम व्लॉग्स बैक हियर। अभी स्विगी दिखा रहा था टाइम 30 मिनट्स कॉफ़ी के लिए, तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। और तो मैं सोच रहा हूँ लेट 1:44 हो चुके हैं, मेरे को वहाँ पे 2 बजे पहुँचना था। स्विगी इंडिया नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट देयर कस्टमर्स, ये बात तो मैंने मान ली। आज भी ये सील हटी हुई है और ये पूरी लीक करी हुई है। आप खुद बताओ, एक ऐसे कप के अंदर कॉफ़ी पीना एक इतने अच्छे ब्रांड को शोभा देता है क्या? गलती सिर्फ स्विगी की है, बिकॉज वो पैकेजिंग इतनी मतलब इधर उधर लेकर आते हैं डिलीवरी बॉयज, लेकिन अब इसको पीना तो है ही ना, नहीं तो बिकॉज पैसे लगे हुए हैं। तो गाइज ये है अपनी ऑरेंज कार कलेक्शन जो कि आप देख रहे हो फॉर द लास्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद में आई डोंट नो ऑरेंज क्या होगा, बट फिलहाल तो आज जो Lamborghini का रैपिंग ये हटने वाला है, और जो नैनो है इस पे गाड़ी की रैपिंग होने वाली है। तो आज जो मैंने Lamborghini प्लान करा हुआ है ना, वो कुछ अलग सी चीज़ है। तो अब चलते हैं, आप लोगों ने दोनों देख ली, ये भी ऑरेंज है और ये भी ऑरेंज है। आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर। नैनो मेरी एक नंबर, क्या बात। और लैम्बो तो हाई है। एक चीज़ पूछूं, इसमें फ्यूल की हमको टैंक नहीं मिल रही है, चारों तरफ घूम चुके हैं बट फ्यूल टैंक का कोई अता पता नहीं है। हाँ भैया, देखो अंदर इसकी तरह ना उसके अंदर लेफ्ट साइड में ऐसे बॉडी पे ना हो। भैया मैंने चारों तरफ घूम लिया, एक बार आगे देखो बोनट खोल के देखा एक बार। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी नैनो, पापा ने अपनी कुछ पहली 100 गाड़ियों के अंदर ये गाड़ी ली थी जस्ट शौक के पर्पज से, और पापा ने कुछ गाड़ी बेच भी दी थी 10-15 दिन के अंदर अंदर, कह रहे बस मजा पूरा हो गया और इसमें सेल कर रहा हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, डू नॉट टॉप ऑफ ऑटो। हाँ ये रहा अंकल फ्यूल टैंक, ये रहा फ्यूल टैंक, हाँ यही है फ्यूल स्प्रे, हाँ फ्यूल टैंक ये रहा, उसका आगे होता। तो अभी फ्यूलिंग इसमें हो रही है। एक बात बताना मेरे को सच, आपको पता अच्छी कौन सी लग रही है, ऑरेंज वाली वो या ऑरेंज वाली ये वाली? तो ये भाई मेरे को मिले हैं, कैसे हो भाई? बढ़िया। आपकी एज क्या है? मेरी 12। अच्छा, आपका नाम क्या है? ध्रुव। स्कूल से आ रहे हो? हाँ जी। चलो सारी वीडियो देखते हो? हाँ जी सारी। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। क्राउड रिएक्शंस तो इसके भैया देख रहे हैं, देखो ट्रक वाले वो भैया देख रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है, सब लोग देख ही जा रहे हैं, वो देखो वो देख रहे हैं। मैंने गाड़ी आज 1.5 महीने बाद निकाली है, मतलब 1.5 महीने से मैंने गाड़ी नहीं चलाई, और जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई तो मेरे को मतलब थोड़ा सा लगा कि मैं भूल तो नहीं कैसे चलाना, बट ये है कि इसको जब भी चलाता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। लेकिन 1.5 महीने बाद उसको मैं चला रहा हूँ, बिकॉज भाई बीच में 2 बार तो मैं दुबई चला गया, उसके बाद इतने हरे काम होते हैं ना। हमने गुड़गांव हाईवे पर ना कि महिपालपुर से जा रहे हैं आज, बिकॉज वहाँ पर ना दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, इतना ट्रैफिक होता है, उसके बाद डर लगता है भी। और ये रहे अंकल जी, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये चक्कर में इतना इतनी जाम लगा दिया मैंने ना, अभी कार को डाल दिया स्पोर्ट्स मोड में, और देखते हैं कैसा आता है मेरा रिएक्शन। डाउनशिफ्ट। मतलब इसको नॉर्मल मोड में चलाओ तो ठीक है, स्पोर्ट्स में डालते ही ना जो इसका बूस्ट आता है एकदम से वो अलग है, और कॉर्सा में तो मतलब रेस ट्रैक बन जाता है बिल्कुल ना। अभी हम आ तो गए हैं, और आते हुए पूरी हमने रेस करी है, लेकिन अभी जस्ट मैंने गाड़ी चला के देखी, अभी आपको उसको दिखाता हूँ इंटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। लेकिन देखो भैया, पहले तो इसको बीच में एक पट्टी डलेगी। पट्टी नहीं डलेगी अंकल, गाड़ी में सोच रहा हूँ रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके अच्छी लगेगी। ऊपर यहाँ लिखा जाएगा YPM ब्लॉक, नहीं वहाँ पे लिखाएंगे डिफॉल्टर। ग्रीन तो नैनो आती है ना, नियॉन ग्रीन, नियॉन ये ग्रीन आती है, नियॉन ग्रीन नहीं आती होगी भैया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी से कलर आता है मेरे को, अच्छा। उसके अलावा कुछ और अलग सा चाहिए, बिकॉज अंकल जी फिर तो नॉर्मली हो जाएगी ना। सही बात है। मैं ये सोच रहा था कि ये वाला दरवाजा रेड होता है, ये वाला ब्लू हो जाए, तो ये येलो हो जाए, ऐसे पूरी करके मिक्स। अब बीच में भैया पट्टियाँ हो जाए, पट्टियाँ स्ट्राइप्स।
एक बार आपको मैं इतना गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ कि गाड़ी की आवाज़ कैसी है। इस गाड़ी के अंदर अभी एम्बिएंट लाइट भी लगेगी, गाड़ी में एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल होगा, जो कि किसी भी मैं अपने #5PM फैम के एक सब्सक्राइबर को गिव अवे करूँगा। और अभी फिर गाड़ी ऊपर ऑन करता हूँ। इसका एसी बहुत अच्छा है और इसकी आवाज़ भी ऐसी है अभी। अब बस अभी रैपिंग, म्यूजिक सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और थोड़ी मोटी चीज़ें और एग्जॉस्ट, ये चार मोटी चीजें जो कि हमको करवानी है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि जो अपनी जनवाई है थोड़ी सी तैयार होनी शुरू हुई है। ये गाड़ी को तो चली भी नहीं है और इसका स्पीडोमीटर है और ये भी अभी लगवाना है हमने इसका सिस्टम। एक नई बात पता लगी है कि इस गाड़ी में डिक्की नहीं है ना, इसकी ओपन होती नहीं, डिक्की है लेकिन ओपन नहीं होता। नहीं डिक्की है ही नहीं, वो कह रहे हैं और जो सामान रखना होता है भैया पीछे यहाँ से वो ऐसे रख लो डायरेक्टली ना हाथ से अपने। तो अभी ये तीन चार ब्लू के इन्होंने शेड लेकर आए हैं और अभी ये देख रहा हूँ ये अच्छे लगेगा नहीं लगेगा। ग्रीन के भी तीन आ गए, ब्लैक, ये स्नेक ब्लैक है, ये अच्छा लग रहा है वैसे। अंकल सबसे पूछने में लगे हुए हैं आजकल ये कौन सा फ़ोन है, तो ये कौन सा फ़ोन है यही पूछ रहे हैं ना। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी तो फिलहाल गाड़ी हमने दे दी है और पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेगी, बिकॉज अभी ना इनकी एक्चुअली ब्रेक भी है। तो कम से कम अंकल चलो एक हफ्ते में गाड़ी आपको जो रेडी होकर मिलेगी ना, मैंने एम्बिएंट लाइटिंग बोल दी, स्पीकर बोल दिए, मतलब जितना कुछ गाड़ी में लगना चाहिए था मेरे हिसाब से पूरा ही यहाँ पर लग जाएगा। जैसे ये लग रही है ना ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छी, कुछ ऐसी ही टोन में सोच रहा हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद इसको मैं करूँगा गिव अवे अपने किसी एक #YPMFAM के सब्सक्राइबर को। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में होगा उसके बेल आइकन को टिंक कर देना ताकि आप मिलते रहे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन वगैरह, इसमें डालता हूँ वीडियो। लैम्बो का जो पूरा रैप है ये भी हट रहा है, रीज़न आपको बताऊँगा अपकमिंग ब्लॉग्स के अंदर। जो अलॉयज है इसके मैं सिल्वर करवा रहा हूँ, तो गाड़ी की जो इसकी भी लुक है चेंज हो जाएगी और इसकी भी जो लुक है वो हो जाएगी चेंज। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ऑरेंज आप देख रहे हो लास्ट आज की इस वीडियो में। अभी ना मैं एक राइड पे निकला हूँ, बिकॉज मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से सीधा घर, जाम लग रहा है। अब इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, पता नहीं कितने दिनों के लिए। मेरी जो मानत अभी आपके पास दोनों है, ये भी और वो भी, सेफ रखना भैया। अभी हम घर जा रहे हैं मेट्रो से, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अंकल सीट मिल गई आपके लिए, खाली है वो भी, जाओ। कहाँ ट्रैफिक था भाई 1 घंटा 46 मिनट्स का और कहाँ पे मेट्रो 56 मिनट्स में हम यहाँ पे पहुँच गए पूरे। और यहाँ पे हमको लग रही है बहुत तेज़ की भूख, तो कुछ ना कुछ खाता हूँ, बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ मैंने। डोसे का नाम लिया और डोसा सामने आ गया, मैंने जैसे भी उतरते ये बोला था कि डोसा खाने का मन है। तो अभी जितने सारे कपड़े मैं लेके गया था ना दुबई, सारे मम्मा ने अभी करे हैं शॉर्ट, बिकॉज ये बाहर के जो मैं डेली वेयर में पहनता हूँ और जो अंदर जा रहे हैं वो मेरे बॉयज और कभी और पहनता हूँ। यदि ये वाला ये मैं नाइट सूट है ना, जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है पास, मेरे जो ड्रीम स्नीकर है मेरे को ये वाला चाहिए। अगर किसी को भी कोई सोर्स पता है कि US 13 में इसका जो साइज है कहाँ मिल सकता है मेरे को बताना कमेंट्स में, हमको सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप DM। ये जो पोस्टर है लगभग मैंने 2 साल 1.5 साल पहले लगाया था अपने रूम में, तब से जो ये चीज़ें हैं ना मेरा एक तरह से ड्रीम है। जो ये वाली वॉच है इसको मैंने कर दिया था ऑर्डर, लेकिन जो ये स्नीकर है ना ये बहुत मतलब मेरे को ऐसा था कि चाहिए टाइम से लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब जब पैसे आ रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग कि इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगाया था, बट यार मेरे को इनको अपने बर्थडे पे पहनने का बहुत ज़्यादा मन है। तो अगर किसी को पता कि जो स्नीकर है कहाँ पे मिलते हैं मेरे को बताना कमेंट्स में। और ख़त्म करता हूँ अपने आशिफ व्लॉग, यहीं पर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।